टाइम एंड वर्क की एक और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक तो दिया हुआ है गाइस, ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो और बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हो और ए और सी मिलकर के उस काम को 12 दिन में कर सकते हो। तो बताने के ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, ये तीन नंबर जो दे रखे तीनों का निकाल देना आपको एलसीएम और 10, 15, 12 का एलसीएम आता है गाइस 60 यानी कि 60। तो सबसे पहले आपको लिख देना इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आया 60 और गाइस इसको कर देना डिवाइड। अब आपको ये देखना कि यार ये जो 10 लिखा हुआ है 10 के टेबल में कितनी बार में आता है 60, तो आपको पता है 10 के टेबल में 6 बार में आता है 60। इस तरीके से आपको देखना 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, तो गाइस 15 के टेबल में 4 बार में आता है 15 × 60, इसको डिवाइड में लिख देना। इस तरीके से देखना 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 के टेबल में गाइस 5 बार में 60 आता है तो प्लस कर देना 5। तो गाइस इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा टोटल 60 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल 6, 4, 10 और 5, 15 और गाइस जब 15 से हम यहां पे डिवाइड करेंगे 60 को तो गाइस यहां पे आ जाएगा 4, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन में देखा जाए तो ए गाइस 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो आखिरी वाले आंसर का भी डबल कर देंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे।